इंडिया लेके जा रहे हैं सबको, तो इसको ढूंढने आए हैं। मोबाइल अलाउड नहीं अंदर। नाजरीन ये ज़ियारात हैं ये। अच्छा जी ठीक है सर, ये जी हम जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, दिस इज़ अरसलान मट्टू। तो आज हम व्लॉग बनाने जा रहे हैं शाही किला और बादशाह मस्जिद में, तो मुलाकात होती है आपकी सबकी वहाँ पे जाकर। फैसल भाई से पूछ लें हम कि वो कहाँ पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी वालेकुम सलाम। फैसल साहब रेडी हो? मैं क्या सर, चलो मैं निकल रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है? जा रहे हैं हम लोग जी फैसल साहब की तरफ, तो फिर आगे आगे मैं आपको दिखाता रहूँगा कि हम लोग रास्ते में क्या करते हैं, वहाँ जा के क्या होता है। तो जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लेट होने लगा है। ओके जी, ये हम लोग जनाब जो है फैसल साहब के घर की तरफ जा रहे हैं। तो फैसल भाई को बुला रहा हूँ मैं, उनके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ जनाब। ये देख ले ये आगे आ जाओ जल्दी आ जाओ। अब आ रहे हैं तो फिर हम इंशाल्लाह निकलने लगे आगे, तो फिर आगे भी दिखाएंगे आपको आगे होता है क्या क्या। तो ले जनाब फैसल साहब आ चुके हैं। फैसल साहब व्यूअर्स आपको बड़ा मिस कर रहे थे, बड़ा वेट किया है आपका, तो क्या कहना चाहेंगे आप बताएं इनको? कहाँ अच्छे राह भी दो, मोटरसाइकिल आ गई, चले आगे मुलाकात होती है, कहाँ पर जा रहे हैं वहाँ बताएँगे आपको। क्यों फैसल साहब निकले हम लोग अभी? जी जरूर। ले जी ये हम लोग निकल रहे हैं अभी। ये देखिए हम लोग वनवे हो चुके हैं, और वनवे इसलिए क्योंकि यू टर्न बहुत लंबा था। यहाँ आप लोगों ने वनवे नहीं होना, 2000 का मुहाल क्योंकि पाकिस्तान में ये है कि 2000 के जुर्माना है, तो आगे से वो आगे चल रहे। ट्रैफिक है यहाँ पे, ये रिक्शे और ये वो सारा। गाइस हम लोग बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अगली साइड, तो फिर घूम के जा। नाजरी ये देखें, ये भाई लोग जा रहे हैं सारे ये रिक्शे पे हमने, हाँ। और ये हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे, जिसका हमने आप लोगों के साथ जिक्र किया था। ये सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये है मीनार पाकिस्तान, ठीक है गाइस? यहाँ पे देखें अभी तक फिलहाल कोई भी नहीं है, और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ये सामने झूले, ये देखें ये सारे झूले हैं, और ये यहाँ से ये देखें। और गाइस ये सामने जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान का आप विजिट कर चुके हैं पिछले ब्लॉग के अंदर, आज हम लोग जा रहे हैं साहब शाही किला और बादशाह मस्जिद। बादशाह यहाँ से आपको लाने का मकसद क्या है, दिखाने का मकसद क्या है? पीछे आपको मंजर नजर आ रहा है, आने जाने वाले लोग जिनके पास टाइम भी नहीं है रुकने का, वो भी इधर जाते जाते देख सकते हैं कि बादशाही मस्जिद सामने है। साथ ही निकल रहे हैं और वो सामने हम लोगों ने जाना, लेकिन ये इतना से सामने नहीं जा सकते, वो घूम कर आना पड़ेगा। तो जी जनाब हम लोगों का फोटोशूट भी होगा यहाँ पे, फैसल साहब की फोटोज वाली फोटोज आ रही है। आगे जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि लाइट कम हो रही है, हम लोगों ने फोटोशूट भी करना है और आप लोगों को दिखाना भी है। ये आप लोग फ्रंट पे आ चुके हैं, फ्रंट पे जो मजा है इस गाड़ी का, यहाँ से हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी मुझे इसने ड्राइवर रखा हुआ है, यहाँ साहब पीछे बैठे हुए हैं, हम कोई साहब एंजॉय कर रहे हैं सर्दी में, मेला हाथ देख रहे हैं, बाल देख रहे हैं। यार वापसी पे मैं उंडा चला लूंगा। ये ले रहे हैं मास्क, मास्क ले रहे हैं, मास्क ठीक है? नहीं हालात, नहीं हालात ठीक, हमारा मुल्क बहुत पीछे आ गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह मुल्क बेहतर हो सकता है? हाँ, 5000 आदमियों को फांसी हो जाए। अच्छा 5000 आदमियों ने 22 करोड़ इंसानों को जकड़ा हुआ, और हर महकमे से ले, हाँ हर इस तरह मैं नहीं आया था। ओ ये जी अरसलान साहब ने पहन लिया है। कप्तान साहब हैं जनाब, सर कैसे हैं आप? मजे में हैं? इंडिया लेके जा रहे हैं सबको। ये हमारे कैप्टन साहब जो 60 रुपए में इंडिया लेके जा रहे हैं। आइए हम आगे चलते हैं। ये देखें लोग कहते हैं जी महंगाई हो गई है, कितना पैसा आवाम के पास के 50-50 60-60 में इंडिया में जा रहे हैं।
हम लोग इनसे पहले पैदल शॉर्टकट में जाएंगे। नान का बॉर्डर है ये नाजरीन। ये अरसलान साहब, जनाब अरसलान साहब क्या प्लान है अंदर जाने का? हाँ पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते, वो किले की लेते हैं, किले की लेते हैं, दूसरे की नहीं लेते। ये गाइस ये अरसलान साहब कह रहे हैं जी आज फुल टाइम बचत हो, और बचत तो जनाब हम जहाँ भी हो सकेगा कि हम लोग करें, क्योंकि हम पल्ले से कर रहे हैं अभी तक कोई ऐसा सीन नहीं है। ये दिखाते हैं आपको नान टिक्की, यहाँ पे जनाब ये कुछ चीजें आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखे नाजरीन। ये जी अरसलान साहब को भूख लगी है, इसको पता नहीं क्या वजह के नान टिक्की इसको इतनी पसंद है, मेरी भी बना दें। ये भाईजान कह रहे हैं जी मेरी बना दें। ये जनाब ये भाई आए हैं जी, भाईजान कहाँ से हैं आप? फैसलाबाद से हैं। यहाँ पे क्या सर घूमने फिरने आए हैं कि घूमने फिरने? क्या देखा अभी तक आपने? अरसलान साहब को जनाब भूख लगी हुई है, और ये देखे जनाब ये पंजाब से है। अच्छा आप इसको ढूंढने आए हैं? वेरी गुड जनाब। ये ये देख लें जनाब फैसल साहब जो है लगे हुए अभी तक, और पीछे से ये देखे बंद कर रहे हैं वो लोग, आवाम निकल रही है। आज जो रास्ते में खाते हैं। चलो जी ये फैसल साहब ने कहा जी फैसला किया रास्ते में चलते चलते खाएंगे। ये देख लो ये खाते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। बंद हो गया लेकिन हम लोग आपको मस्जिद का विजिट करवाएंगे, वहाँ पे ज़ियारात है। हाँ वो भी आपको विजिट करवाएंगे, अंदरून का भी आपको दिखाएंगे। ये देखे जनाब जी इनके साथ एंट्रेंस हो जाएगी, इनके साथ फ्री में एंट्री होगी। इसकी टिकट जो दिन के टाइम होती है। लेकिन हम लोग व्लॉग बना रहे हैं ना, फायदा नहीं क्योंकि लाइट हो गई डिम। हाँ बहुत शुक्रिया मेहरबानी। ये नाजरीन ये देखें ये हम लोग ट्रिप आया यहाँ पे, ये देखें ये यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तान के दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करने के लिए आते हैं। नाजरीन ये आपको दिखा दूँ, यहाँ पे पहले ये सिस्टम नहीं हुआ करता था, ये असेंबली लगी हुई है, ये सारा इनका सेटअप लगा हुआ है एंट्रेंस का। पहले यहाँ पे लोकल गार्ड बैठते थे और यानी कि वो बताते थे, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जेब कतरों से होशियार। ये देखें ये जनाब अंग्रेजों की दौर की है, ठीक है जी। और ये देखें जी ये एंट्री है, लेकिन ये बंद हो चुकी है क्योंकि लोग सारे बाहर को आ रहे हैं और हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देखें नाजरीन ये इंडिया ना समझिएगा, ये पाकिस्तान है। और ठीक है जी ये देखें पुरानी बिल्डिंग, ये जनाब एंट्री है इसकी, हम लोग हो चुके हैं एंटर। और ये अरसलान साहब जनाब आ चुके हैं अंदर हम लोग, और एंटर उस टाइम पे हुए जब बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आप लोगों को दिखा दें जी जहाँ तक हो सकता है। जी बिल्कुल हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम इंशाल्लाह आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ये हम आपको व्यू थोड़ा सा देखें नाजरी, ये बाग है, ये औरंगज़ेब का बाग है, और ये देखें जिंदा दिलाने लाहौर, वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं वहाँ पे, लेकिन फ़ायदा नहीं है। हम लोग चलेंगे वहाँ पे मस्जिद में और वहाँ पे आपको विजिट करवाते हैं। जी अरसलान साहब साहब यार सारी वाम निकल की बाहर होने से अंदर बैठ रहे हैं, बड़ा जीव जा लग रहे हैं। खैर भाईजान एक चीज़ मैंने देखी लोहर की वाम में घूमती फिरती बहुत घूमते फिरते ये लोग, क्यों फैसला साहब ऐसे? बिल्कुल 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 ऐसी और ऐसे ही है। और ये देखें जनाब ये अंग्रेज़ों के आज भी पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें सेव हैं। ये देखें हमारे लाहौर में बहुत सारी ऐसी कदीम इमारात हैं, बिल्डिंग्स हैं। ये देखें ये अंग्रेजों के दौर के अभी भी गेट लगे हुए हैं, ये सारा देखे। असल में फैजल साहब बात पता क्या है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा हुआ है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तान पूरा घूम लो बिल्कुल यूरोप वोरप जाने का बंदे का दिल ही नहीं करता है। ना जी ना, ना जी ना, लोड ही नहीं पानी बरकर मैं तो वहां। ये जनाब हम लोग अंदर चलते हैं। हाय 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 अंदर जाना तो पड़ेगा। ये अभी हम लोग जाने लगे हैं जी अंदर, और अंदर के व्यूज आपको दिखाएंगे। एंट्री तो बंद हो चुकी है लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग इंटर हो जाएं, जितना हो सके आपको दिखा दें। हम लोग चल देखे लो जी इंटरेस्ट देखें क्या होती है क्या नहीं। ये जो पीछे है ये क्या है?
यही बता रहे हैं। ये नाजरी, ये जो मेरी बैग पे अभी ये देख रहे हैं, ये मस्जिद है, इसका नाम है बादशाही मस्जिद। हम अंदर आपको इसका विजिट करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। ये फैसल साहब शूज उतार रहे हैं, सही है जी, यहाँ पे जूतियाँ। फिर हम लोगों ने जाना है अंदर, फिर अंदर के व्यूज दिखाएंगे आपको। तो फैसल साहब तो हो गए जूती उतारने में मस्त। ये जी आसान हो रही है, ये बादशाही मस्जिद की अजान है, आप सुनेंगे मजा आ जाएगा। दिखाएं बैग, ओए होए क्या व्यू है यार। नहीं मोबाइल अलाउ नहीं अंदर, नहीं लाओ। हाँ ठीक है जी, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने बकायदा लिख के लगाया कि मोबाइल अलाउ नहीं है, हम लोग खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे जी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मोबाइल वैसे लाओ नहीं है, लेकिन आप लोगों को हम लोग बनाने देंगे, लेकिन बाद में हम लोग वेट कर लेते हैं। नाज़रीन ये ज़ियारात हैं, ये जो कुरान पाक आप देख रहे हैं, ये पूरे 30 पारे हैं। ये आपको ये मैं दिखा सकता हूँ, ये मशीन से नहीं बल्कि ये हाथ से लिखे गए हैं गोल्ड के। आपको बाहर मैंने दिखाया, ये सारे जो है ना, ये 30 पारे यहाँ पर अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। और ये देखिए, कोई भी बंदा नहीं, पहले काफ़ी लोग थे, उन्होंने सबको निकाला, निकालने के बाद उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आप लोग वीडियो बना सकते हैं, वरना ये लोग वीडियो नहीं बनाने देते, यहाँ पे अलाउ नहीं है। मैं बाहर निकलते हुए आपको दिखाऊंगा। अरसलान साहब इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं, और सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह क्या बात है। और ये हाथ से लिखे हुए हैं नाज़रीन, जिसने ये लिखे हैं उसने कितनी मेहनत की होगी, बहुत मेहनत, और पूरा पूरा कुरान पाक है, यानी कि एक पारा जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये अलाउ नहीं है यहाँ पे, ये देखिए हमने आप लोगों को ज़ियारत करवा दी है, अभी मेरे ख्याल से ये बंद हो गया सारा। हाँ जी ठीक है, ये देखिए हमारे अलावा कोई बंदा नहीं है, उन्होंने पहले निकाला, और ये इन्होंने बकायदा लिख के लगाया हुआ है कि यहाँ पे तस्वीर मूवी बनाना मना है, लेकिन उनकी मोहब्बत है, उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें ये वीडियो बनाने दी, वरना यहाँ पे अलाउ नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। ये जनाब इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें इजाज़त दी। और ये देख सकते हैं इस वक्त नमाज का टाइम है, धुंध होना शुरू हो गई है। क्या ख्याल है अरसलान साहब, यहाँ पे इसको क्लोज करें? हाँ, हम लोग यहाँ से अब निकलेंगे, क्योंकि आपको बेसिक दिखाने का मकसद यह था कि ये देखिए कितना खूबसूरत मंजर है, यहाँ पे ये फैमिलीज आती हैं, यहाँ पे ज़ियारात करने आती है। ये नाज़रीन निकलेंगे बाहर, हम लोग यहाँ से निकलेंगे बाहर जी, जी। बाहर जाने के बाद हम लोग जो जो चीज़ अच्छी हमें नज़र आई वो दिखाएंगे ज़रूर आपको, लेकिन मैं यही फैसला करूँगा हम जल्दी से निकल जाए, क्योंकि बाइक मुझे चलानी पड़नी। नहीं नहीं, मैं अब अच्छा, अब मैं बाइक मैं चलाऊंगा, वो मुश्किल नहीं। हाँ फिर टेंशन नहीं, सारी रात घूमता रहा, कोई टेंशन नहीं। मैंने हामी क्या बात ली है नाज़रीन, ये खूबसूरत मंजर है, ये देखे खुदा की कसम अल्लाह की कुदरत है। और पाकिस्तानियों का वो चीजें हैं जिनको देखने के लिए गोरे भी तरसते हैं, बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं ना दुनिया में, वो तरसते हैं कि पाकिस्तान में, और हम पाकिस्तानी क्या हैं कि इन चीज़ों में आप बहुत कम आते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं, बाहर वाले बल्कि यहाँ पे आते हैं। मैं बाहर कंट्री रहा हूँ, आउट ऑफ कंट्री, वहाँ पे लोग कहते हैं यार पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप हर किस्म की चीज़ मिलती है, हर किस्म का एनवायरनमेंट। अच्छा अरसलान साहब, मैं एक और आपको चीज़ को ये अपने नाज़रीन को दिखाना चाहूँगा, ये जो लोग आप देख रहे हैं ना अंदर जा रहे, ये बेसिक को दरवाज़ा नहीं है गुजरने का, ये यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, ये सारी ज़ियारात हैं अंदर। ये देखें, ये तबरकात मुकद्दस औकात 8 बजे बाद नमाज मगरब, ये इस तरह, ये नाज़रीन ये यहाँ से सारी अंदर जी सारी ज़ियारात है इसके अंदर। हाँ जी क्यों नहीं जी, ये हम लोग जा रहे हैं अंदर, और हम आपको पूरा विजिट करवाएंगे अंदर का, जो हिस्ट्री है जो लिखी हुई है इन्होंने। ये जनाब ये देखें, ये उस दौर की अभी तक बनी हुई है, और हमारे मुसलमानों ने पाकिस्तानियों ने किस कदर इसको सेव रखा हुआ है। ये अरसलान साहब जा रहे हैं, चलें चलें जी अंदर, ये अरसलान साहब जा रहे हैं जी अंदर, हम लोग यहाँ से आपको दिखाएंगे। ये जी हम लोग ये जाली देखें,
और सबसे पहले मैं आपको ये इस दरवाजा दिखाऊंगा। ये जी लगता है हमें वीडियो नहीं बनाने देंगे। अच्छा जी ठीक है सर। ये जी हम यहाँ पे वीडियो क्लोज कर रहे हैं, हम लोग वैसे अंदर जा रहे हैं ज़ियारत करते हैं। ये जी हाँ जी, तो हम जनाब कानून की परमिशन ली थी लेकिन मिस्टेक क्या है, हमारे पास लेटर नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, हम वैसे वैसे जाते वैसे विजिट कर पहुंचे। ये गाइज हम लोग ज़ियारत करके निकल चुके हैं क्योंकि उन्होंने मना किया था, लेकिन फिर भी मैं चोरी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ जी चले चले निकले इससे पहले कि हमारा काम गड़बड़ ना हो जाए। ये हम लोग निकल चुके हैं। ये जी हम लोग बाहर आ चुके हैं और ये वो मंजर है जनाब जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये अरसलान साहब हैं। अरसलान साहब कैसी लगी आपको ज़ियारत? सुकून मिल गया दिल को, जो चीज़ें मतलब नहीं देख सकते थे रियल लाइफ दिल को सुकून मिला, आँखों को ठंडक मिली है। और आपको भी दिखाना चाह रहे थे हम लोग लेकिन बस उन्होंने अंदर कैमरा जी बिल्कुल। देखिए जी कोई भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अलाउ होता है वीडियो बनाना, लेकिन बाद ऐसी जगह होती है जहाँ पे अलाउ नहीं होता। लेकिन हम लोग हमारी कोशिश ये है कि हम लोग अपने जो भी हमारा टूर ट्रिप होता है हम चाहते हैं कि उसको हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ करें ताकि जी जी गोरे भी आए हुए थे अंदर वो देखे फैमिली सर देखे गोरे आते हैं यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहे थे चीज़ों की बिल्कुल माशाल्लाह अच्छी बात है यार होना चाहिए बिल्कुल ऐसी है। ये दो अरसलान साहब ये देखें ये मुगल के दौर की ये सारी ये देखें। अच्छा मैं इधर आपको ये दिखाता हूँ ये पुराने दौर की ये मैप है जनाब ये पुराने दौर की ये जो है ये बादशाह मस्जिद है ये सामने ये ठीक रहे जी ये अंदर का हिस्सा है ये बाहर का हिस्सा है। ये नाज़रीन ये जो पिक्चर है ये 1939 की है और ये दिखाई गई है 1939 ये भी वही है ये 96 की है 1960 की ये भी 1960 की तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि चैम्बर है ये मॉस्क है। हाँ बिल्कुल ऐसी है हाँ बिल्कुल ऐसी है और बताइए आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो को लाइक किया करें शेयर किया करें। आपने देखा होगा कितनी स्ट्रगल की हम लोगों ने आपके लिए, फुल सर्दी में निकले हैं बाहर फिर भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों के लिए, जहाँ जहाँ तक हमारा कैमरा जा सका हम गए हैं और आपको दिखाया है। इसी तरह प्यार देते रहें और इंशाल्लाह हम आपको हर जगह घुमाएंगे हर जगह दिखाएंगे साहब इंशाल्लाह। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगे सबसे पहले हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें कि आपको हमारे ये व्लॉग कैसे लगते हैं। कमेंट्स में अपनी राय दें, अगर आपके माइंड में पाकिस्तान की कोई ऐसी जगह आपको लगता है कि ये हमने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पर जाके वो हम लोग वीडियो बनाएँ। बिल्कुल जी इंशाल्लाह जहाँ जहाँ तक आप हम लोग जा सके जरूर जाएंगे अपने कैमरे के साथ जाएंगे। एक ही रिक्वेस्ट है जितना ज्यादा हो सकता है प्यार दिया करें, जल्दी कर लो मेरी बात पूरी है। चीज बुरी भी लगती है तो कमेंट्स में बता दिया करें। अब हमें इजाजत दें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।